यूपी के एटा में पुराने आसिक को रास्ते से हटाने और मुआवजा राशि हड़पने के लिए रची किशोरी के साथ मिलकर एसिड अटैक की साजिश। घटना सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर हुआ मामले का खुलासा। एसिड अटैक नहीं बल्कि स्कूटी से फिसलने से हुई थी नाबालिग किशोरी घायल। नाबालिग किशोरी ने दोस्त के साथ मिलकर रची एसिड अटैक की झूठी कहानी। इस साजिश के माध्यम से अपने पुराने आसिक से छुटकारा पाना चाहती थी किशोरी। पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पकड़े गए अभियुक्त जीसान ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर रची एसिड अटैक की काल्पनिक कहानी का हुआ खुलासा। एसएसपी उदय शंकर के निर्देशन पर इंटेलिजेंट विंग टीम और थाना कोतवाली नगर टीम ने किया घटना का पर्दाफाश। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के शांति नगर में हुई थी घटना। देखिए, दिनांक 24 तारीख को थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीर दी गई पीड़िता की मां के द्वारा कि उसकी किशोरी पर तेजाब से दो युवकों ने हमला कर दिया जिससे उसके चेहरा झुलस गया। इस प्रकार की सनसनीखेज एक तहरीर दी गई जिसके आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा। तदोपरांत जब पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन प्रारंभ की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकाश में आया जिसमें पीड़िता दिनांक 23 तारीख को स्कूटी से पलटती हुई दिख रही है और पीछे एक युवक बैठा हुआ है। पुलिस ने और गहराई से छानबीन जब प्रारंभ की तो ज्ञात हुआ कि पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में स्कूटी जिस साइड में गिरी थी उस साइड में कई घिसटने और रगड़ने की चोटें आई हुई हैं। तदोपरांत पुलिस ने और गहराई से छानबीन करते हुए स्कूटी का पता लगा लिया, स्कूटी को कब्जे में ले लिया, स्कूटी ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने इस पूरी घटना का पूरा घटनाक्रम झूठी साजिश एक बनाई हुई थी। और इस प्रकार से जो झुलसने के मार्ग थे, डॉक्टर से जब पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा तो चिकित्सक ने बताया कि ये रगड़ के निशान से इस प्रकार की चोटें आ सकती हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना की झूठी पटकथा रचने वाले उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा प्रारंभिक तथ्य के आधार पर भेजे गए आरोपी को माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल से छुड़ाने के लिए पुलिस अलग से रिपोर्ट प्रेषित कर रही है। ये जो साजिश रची थी क्यों रची गई थी? ये साजिश इसलिए रची गई कि परिवार की चोरी से पीड़िता के एक दोस्त ने अपनी स्कूटी एक दोस्त से लेकर पीड़िता को स्कूटी सिखा रहा था। सिखाते समय स्कूटी घिसट के गिर गई। भेद ना खुल जाए क्योंकि परिवार वाले उस दोस्ती पर आपत्ति करते थे, इस कारण उसने इस प्रकार की झूठी एक पटकथा रची तथा एक उद्देश्य इसमें यह भी पाया गया कि इससे पीड़िता को काफी आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि प्राप्त होनी थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।